अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ मैंने बनाई है जी बिरयानी। अभी बस बॉयल आ जाए तो उसके बाद रखूँगी जी चावलों को दम पे। और आज मेहमान आने वाले हैं तो मैंने खाना बनाना ही स्टार्ट कर दिया, बस अभी वो पहुँचने ही वाले होंगे। मैंने लगा गर्मा गर्म चावल रेडी हो जाए जैसे वो पहुँचें। तो यहाँ जो है हमारी बिरयानी रेडी हो रही है और ये हमने रखा है जी पुदीना काट कर। हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ। फ्लेम हम इसका कर देंगे ऑफ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेडे, यम। अच्छा अभी जो है वो भाप उठ रही है तो लग रही है कैमरे को। ये हमारी कुछ बिरयानी बनी है बड़ी ज़बरदस्त सी। अभी हम इसे डिश आउट करते हैं, देन आप लोगों को दिखाते हैं। तो जी ये हमारी यमी सी बिरयानी रेडी है। इसमें जो है ये मसाले वाली है सैलेड और ये विदाउट मसाला है क्योंकि इमरान को मसाला पसंद नहीं है। और ये है जी रायता और ये हमारी यम सी बिरयानी तैयार है। तो जी मेहमान अभी आ चुके हैं और ये लेकर आए हैं किंग बेकर्स से। क्या अभी चेक करते हैं, हाथ में इतना पेन है ना कि अभी तक नहीं जा रहा। तो जी चेक कर लेते हैं हम। अच्छा ये जेकमाबाद से ही लेकर आए थे ये लोग और इसके अंदर है जी केक। केक है ये। ये टी केक है सही है और इसका स्पंज थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मुझे, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि इस बेकरी का केक कैसा था और मिठाई कैसी थी। तो जी ये सेकंड मुझे मिठाई ही लग रही थी। दो शॉपर थे तो यकीनन एक केक होगा और एक मिठाई होगी। तो अभी इसको भी मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जी किंग बेकरी की ये रही जी मिठाई, यम्मी। आपको इसमें से कौन कौन सी मिठाई अच्छी लगती है मैं बताती हूँ। मुझे गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, इसके अलावा बर्फ़ी अच्छी लगती है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस ये दो ही मेरी फेवरेट हैं। और ये जो मलाई रसगुल्ला है ना, ये तो मुझे इतना जहर लगता है कि मैं क्या बताऊँ, ये जो तीनों पड़े हुए मलाई वाले। तो जी ये मिठाई और केक आया है जैकमाबाद से, बेचारा इतना दूर से सफ़र करता हुआ आया है। वैसे बड़ा अच्छा लगता है अलग अलग इलाकों की अलग अलग बेकरीज से जो है वो मिठाई और केक इस टाइप की चीज़ें आप टेस्ट करें। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये मिठाई कैसी है। अच्छा केक तो अभी मैं ट्राई नहीं करूँगी, जब मैं अभी चाय बनाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि केक का टेस्ट कैसा है। और अभी हम मिठाई को ट्राई करते हैं कि ये कैसी है, ठीक है। बिस्मिल्लाह, थोड़ी सी हार्ड लग रही है लेकिन बताऊँ आपको, अच्छा खाने में बिल्कुल सॉफ्ट है। शायद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ी सी हार्ड लग रही है। और मीठा भी इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल मीठा है जो आप खा सकते हैं। यानी कुछ मिठाइयों में इतना मीठा होता है कि ऐसा लगता है हमें डायबिटीज़ हो जाएगा, ये नॉर्मल मीठा। तो जी बड़ी यम सी मिठाई है, मैं इसको इंजॉय करती हूँ। और मेहमानों से मैंने आप लोगों को नहीं मिलाया, इंशाल्लाह मेरे किसी ब्लॉग में आप लोग उनसे भी मिल लेंगे। ओ संभी ये सारे ब्रांडेड है के लंडे का माल है, ये सारे ब्रांडेड है, सारे ब्रांड। कहाँ ब्रांड है, आईफोन की तार। अच्छा कहाँ लिखा हुआ है, किस ब्रांड का कहाँ नाम लिखा हुआ है? ये आईफोन कॉपी के होंगे, ये आईफोन है। और ये पकड़े जरा, ये पकड़े, इसका एप्पल उधर जाएगा। ये गुची है, गुची। और लोका लिखा हुआ है यहाँ, ये निकल गया गुची का ना, गुची। वो ड्रेसेस हैं जो मैंने लिए थे डिफेंस मॉल से, इमरान के अल हयात फैब्रिक से। ये एक ब्लैक कलर है और ये जो है ना ये क्रीमी सा कलर है, जब आप लाइट में जाएंगे यानी सूरज की रोशनी में तो इसका कलर सही नज़र आएगा। यहाँ पे भी वैसे सही नज़र आ रहा है, ये ब्लैक है और ये स्काई ब्लू है और ये वाइट सूट है, ठीक है। इस पर ऐसे मेटल के बटन लगवाए हैं इस पर, ये वाला मुझे बटन बहुत अच्छा लगा था और ये वाला भी अच्छा लगा है। लेकिन जो
इस पे और वाइट पे जो बटन लगा हुआ है ना, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही हूँ कि इसको हटवा ले, वरना बस फिर यही रहने देंगे। अभी मैं इमरान से पूछूँगी। और ये वाइट वाला भी देखिए, ये वाइट वाला भी जो है ना, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ये जो बटन लगे हुए वाइट के और ये स्काई ब्लू के, तो ये चार सूट मैंने लिए थे। बहुत ही खूबसूरत इनका जो क्वालिटी है ना कपड़े की, वो बहुत अच्छी है। ये देखिए कैसे शाइन कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा कपड़ा है ये। और यहाँ पर जो प्राइस है वो भी बहुत ही रिजनेबल है। तो अभी मैं ये प्रेस कर रही थी और बस अभी प्रेस करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जी, कल हमें जाना है वेडिंग में, तो अभी मैं जा रही हूँ डिलाइट पार्लर। मैंने सोचा कि आईब्रोज़ वगैरह बना लूँ और कुछ फेशियल वगैरह करवा लूँ, ताकि मुँह से जितनी भी मैल कुचैल है वो तो उतर जाए, लोग देख के कहीं मुझे डर ही ना जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्लर, और पार्लर पहुँचते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, ज़्यादा तो मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम लोग पार्लर पहुँच चुके हैं, और यहाँ मैंने करवाया था फेशियल, अपर लिप्स, आईब्रो, और इसके अलावा वैक्सिंग वगैरह करवाई थी। अभी जा रही हूँ घर, और अभी मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।